और बात करेंगे खबरों की। केंद्र सरकार को लेकर जयंत चौधरी का बड़ा बयान, राज्यसभा में बोले आरएलजी प्रमुख जयंत चौधरी, मोदी सरकार की जयंत चौधरी ने की तारीफ, चौधरी चरण सिंह ने की प्रधानमंत्री मोदी की तुलना, मोदी सरकार के कामों में चौधरी साहब की झलक, तो ऐसा जयंत चौधरी की ओर से कहा गया है। और मोदी सरकार के कामों में चौधरी साहब की झलक दिखती है, ऐसा जयंत चौधरी की ओर से कहा गया है। और उन्होंने चौधरी चरण सिंह की तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की है। 10 साल में खास तौर से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का फैसला लिया, जो उन्होंने पहल ली, ये एक बहुत बड़ा फैसला है। ये सर्वविदित है कि मैं प्रसन्न हूँगा। सभापति जी, मैं जानता हूँ व्यक्तिगत तौर से आप भी गदगद हैं, लेकिन ये भाव सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं, इस सदन तक सीमित नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ कि कल देश के हर कोने में आपके निर्णय की गूंज पहुँची है, गांव-गांव में दिवाली मनाई गई है। जब चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे, गाँव के लोग गुड़ और मिठाई लेकर दिल्ली आए थे बांटने के लिए, अपनी खुशियों को बांटने के लिए और इजहार करने के लिए। उसी तरीके से कल भी कनॉट प्लेस में किसानों ने गुड़ बांटा है। ये दिखाता है, दर्शाता है कि ये फैसला सिर्फ चौधरी चरण सिंह जी के लिए परिवार तक सीमित नहीं है। देश का किसान का मेरा वर्ग, देश का वंचित समाज का व्यक्ति, उनको सशक्त करने वाला फैसला लिया। 10 साल मैं विपक्ष में रहा हूं, कुछ ही देर सदन में मैं इस तरफ बैठा हूं, लेकिन मैंने देखा है कि 10 साल में जो आज सरकार है, इनकी कार्यशैली में भी चौधरी चरण सिंह के विचारों की झलक है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ग्रामीण क्षेत्र में सोच की दुर्व्यवस्थाओं पर प्रकाश डालते हैं, जब महिला सशक्तिकरण को अपना प्लेटफॉर्म भारत सरकार बनाती है और गांव-गांव में जागृति पैदा करती है, तो मुझे उसमें चौधरी चरण सिंह जी की बोली याद आती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ स्टेट कोऑर्डिनेटर यूपी से हमारे अनिल पाठक जुड़ गए हैं। अनिल जी, केंद्र सरकार को लेकर जो है जयंत चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है, क्या उन्होंने गठबंधन को लेकर इस बयान से मोहर लगा दी है? देखिए जोई जी, एकदम सब कुछ साफ हो गया है, पूरी किताबें खुल चुकी हैं सियासत की, क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, ये अब किसी से छुपा नहीं है। रही बात इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने भी ये साबित कर दिया है कि आखिर एलडीए किधर जा रही है, और आज जयंत चौधरी का जो बयान है वो एकदम क्लियर है, स्पष्ट है। अब भाजपा और आरएलडी में किसी भी तरह की कोई दूरी नहीं है। जयंत चौधरी ने स्पष्ट कहा है राज्यसभा में कि मोदी जी ने दिल जीत लिया, मोदी जी ने उनकी जो नीतियाँ हैं वो एकदम उसमें झलक दिखती है चौधरी चरण साहब की जी। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि बीजेपी ने जो जयंत चौधरी के सामने पहले से डोरे डाले थे, उसमें काफ़ी हद तक पार्टी कामयाब भी रही है। हाँ बेशक जूही जी, जैसा कि जयंत चौधरी ने कहा है कि मैं पिछले 10 सालों से विपक्ष में हूँ, विपक्ष की भूमिका में भी जो 10 साल का उन्होंने आत्ममंथन किया है उसमें वो निकल कर आया है, जो उन्होंने आज बयां किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कार्यशैली है उसमें चौधरी चरण सिंह जी की झलक साफ दिखाई पड़ रही है जी। अनिल जी, बताया ये भी जा रहा है कि अखिलेश यादव का जो भारत जोड़ो, यानी कि कांग्रेस के राहुल गांधी जो है उनसे जो लगाव है भारत जोड़ो न्याय यात्रा से, कहीं ना कहीं जयंत चौधरी से मिले झटके का ही नतीजा है। देखिए, ये नफा नुकसान की राजनीति हो रही है उत्तर प्रदेश में। बेशक जयंत चौधरी अखिलेश यादव के साथ थे, उनको सीटें भी मिली थी साथ, लेकिन भाजपा ने जो सम्मान दिया है, जो टाइमिंग पे जो बल्लेबाजी की है, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया है, एक राज्यसभा की सीट और 2 लोकसभा सीटें, तो जवाब जाहिर है अखिलेश यादव 7 सीटें दे रहे थे, हो सकता है उसमें कितनी जीतते कितने हारते
ये तो भविष्य के गर्व में है, लेकिन जैसे भाजपा से 2 सीट मिल रही है तो यहाँ चांसेस ज़्यादा हैं और एक राज्यसभा और इसके असर केंद्र और प्रदेश की सत्ता में हिस्सेदारी अस्पष्ट है। सब चीज़ एकदम तय स्क्रिप्ट के अनुसार हो रहा है उत्तर प्रदेश में RLD और भाजपा के बीच। जी, तो क्या मायावती के बाद जो अखिलेश को जयंत चौधरी की ओर से ये झटका मिला है, कितना बदलाव जो है प्रदेश की सियासत में देखा जा सकता है इसका? देखिए, पूरा उलटफेर हो गया है उत्तर प्रदेश की सियासत पे। अब एक तरह से भाजपा फुल फॉर्म में है, उसने नारा भी दिया है कि 80 में 80। अब किस तरह से भाजपा 80 में 80 जीतती है, ये उसी का ताना बाना उत्तर प्रदेश में बुना जा रहा है। जी, तो अब क्या लगता है NDA के साथ गठबंधन का ऐलान जयंत चौधरी की ओर से कब तक किया जा सकता है, क्योंकि काफ़ी समय से इसको लेकर तरह तरह की खबरें सामने आती रही है? देखिए, टाइमिंग बहुत अच्छी थी, जिस तरह से ऐलान हुआ भारत रत्न का उस तरह से टाइमिंग भी अच्छी है। 12 तारीख आ रही है, चौधरी चरण सिंह जी की जयंती है, इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है ऐलान का। बस 48 घंटे बचे हुए हैं, एक नई सियासत नई इबारत का ऐलान होने वाला है उत्तर प्रदेश में रालोद और भाजपा के गठबंधन के तौर पर। जी, उन्होंने ये भी कहा है जयंत चौधरी ने कि अब मैं किस मुंह से इनकार करूं, यानी कि अगर BJP की ओर से उन्हें ऑफर दिया जाता है, इसको लेकर उन्होंने बयान दिया है। साथ ही उन्होंने चौधरी चरण सिंह से PM मोदी की तुलना की है। देखिए बेफक जोई जी, अब तो जयंत चौधरी ने सीधे कह दिया है कि प्रधानमंत्री जी ने तो दिल जीत लिया, तो दिमाग लगाने की कोई बात ही नहीं है। अब दिल हार चुके हैं भाजपा से, वो दिल लगी हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की। अब कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है, कोई दरार नहीं है, स्पष्ट एकदम सब कुछ दिख रहा है, बस मोहर लगनी बाकी है, ऐलान होना बाकी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं आगे। इस वक्त एक चर्चा जोरों पर है कि RLD प्रमुख जयंत चौधरी NDA का हिस्सा बन सकते हैं, जिसको लेकर यूपी के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने कहा कि BJP ऐसे सभी भाई बहनों का स्वागत करती है जो भारत माता के प्रति BJP की और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करेंगे खबरों की। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, CAA पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान, चुनाव से पहले CAA लागू करेंगे। अमित शाह की ओर से यह बयान सामने आया है और लोकसभा चुनाव से पहले CAA लागू किया जाएगा, चुनाव से पहले नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा, किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं जाएगी। तो ऐसा गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बयान सामने आया है और चुनाव से पहले नोटिफिकेशन भी जारी किए जाएंगे, लोकसभा चुनाव से पहले CAA लागू किया जाएगा। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, लोकसभा चुनाव से पहले CAA को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का बयान सामने आया है। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, चुनाव से पहले CAA लागू किया जाएगा। तो अमित शाह ने ऐसा कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले CAA लागू किया जाएगा। और दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, CAA को लेकर गृहमंत्री अमित शाह का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है लोकसभा से पहले यह कानून लागू किया जाएगा और चुनाव से पहले इसको लागू करेंगे। तो गृहमंत्री अमित शाह का बयान CAA को लेकर आया है, उन्होंने कहा लोकसभा चुनाव से पहले CAA लागू किया जाएगा और चुनाव से पहले नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि इसको लेकर किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं जाएगी और लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू कर दिया जाएगा। तो बड़ी जानकारी दिल्ली से सामने आ रही है, CAA पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान सामने आया है, चुनाव से पहले CAA कानून लागू करेंगे। अमित शाह की ओर से यह बयान सामने आया है, जिसमें कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले CAA लागू किया जाएगा और चुनाव से पहले नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजीत हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। अजीत, सीए कानून को लेकर जो है गृहमंत्री अमित शाह का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है चुनाव से पहले इसे लागू किया जाएगा, क्या जानकारी है? देखिए जी, बिल्कुल बताना चाहूंगा, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और लोकसभा चुनाव से पहले जो गृह मंत्री है अमित शाह, उन्होंने बड़ा बयान दिया है जिसमें उन्होंने यूसीसी कानून को लेकर के उन्होंने कहा है कि इसे चुनाव से पहले लागू किया जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इससे पहले नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और नोटिफिकेशन के बाद इसको देश भर में इस कानून को लागू कर दिया जाएगा। हालांकि इस दौरान उन्होंने ये बातें भी बोली है कि ये जो कानून है लोगों को नागरिकता देने का कानून है, ना कि नागरिकता छीनने का। और इसी ने उन्होंने विशेष तौर पर कहा कि जो लोग भ्रम फैला रहे हैं, तमाम भ्रामक खबरों से दूर रहे और ये किसी से भी कानून छीनने का अधिकार नहीं है, किसी से भी जो देश की जो नागरिकता है वो छीनने का कानून नहीं है, बल्कि जो तमाम लोग, चाहे वो पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, ऐसे लोग जो भारत में पिछले लंबे समय से रह रहे हैं, उन्हें ये भारत की नागरिकता देने का कानून जो है वो इसके तहत लाया जाएगा। इसीलिए इसमें किसी को भी ना तो डरने की जरूरत है, ना ही किसी भी भ्रामक खबरों में आने की जरूरत है। तो निश्चित तौर पर अब कहा जा सकता है कि जिस तरीके से उन्होंने ऐलान किया है कि चुनाव से पहले यूसीसी जो कानून है, ये माफी चाहूंगा सीए जो कानून है, ये लागू कर दिया जाएगा। जी, उन्होंने ये भी कहा है कि चुनाव से पहले इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए जाएंगे। बिल्कुल जी, विशेष तौर पर जो उन्होंने बयान दिया उसमें साफ तौर पर कहा है कि जो सीए जो कानून है, चुनाव से पहले नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और नोटिफिकेशन जारी करने के बाद इसे देश भर में लागू कर दिया जाएगा। और जो खास तौर पर उन्होंने कहा है कि 2014 से पहले जो भी लोग यहाँ पर रह रहे, चाहे वो अफगानिस्तानी नागरिक हो, पाकिस्तानी हो या बांग्लादेशी हो, जो यहाँ पर भारत में आकर बसे हुए हैं, उन्हें इस सीए कानून के तहत लाया जाएगा और उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। और इसीलिए ये एक बड़ा बयान जो है वो कहा जा सकता है और बड़ा फैसला जो है, क्योंकि पिछले साल दिसंबर में भी उन्होंने विशेष तौर पर इस कानून को लागू करने की बात कही थी और कहा, विशेष तौर पर कहा था कि हर हाल में देश में जो सीए जो कानून है ये लागू किया जाएगा। इस बार बयान में साफ तौर पर हो गया है कि चुनाव से पहले ही इसे देश भर में लागू कर दिया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत आपका तमाम जानकारी के लिए। और वहीं केंद्र सरकार की तरफ से पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह, पीएल नरसिम्हा राव और कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है, जिसको लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि तीन तीन विभूतियों को भारत रत्न दिया जा रहा है, जिसकी खुशी देश के किसान भी मना रहे, देश के मानवेंद्र लोग भी मना रहे हैं। वही समाजवादी पार्टी के राम मंदिर में ना जाने को लेकर कहा कि समाजवादी पार्टी को भगवान की कृपा पाने से वंचित रहना है तो ये समाजवादी पार्टी का रोग है। 2024 में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीतेगा। सर्कल अयोध्या की तैयारी है, सभी लोग जा रहे साथ में? हाँ, हम आपको भी ले चलना चाहते हैं, अगर आप चलें तो आपको भी ले चलें। सर, आरएलडी और उसके विधायकों या सभी विपक्षी दल के, लेकिन समाजवादी पार्टी के नहीं शामिल हो रहे हैं? अब अगर समाजवादी पार्टी को भगवान की कृपा पाने से वंचित रहना है तो ये समाजवादी पार्टी का रोग है। अन्यथा कई बार होता है व्यक्ति को जीवन में अवसर, जब ऐसी कोई परिस्थिति होती है, एक तो समाजवादी पार्टी वैसे भी राम भक्तों के हत्या की आरोपी पार्टी है, 22 जनवरी 2024 को श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण ठुकराने वाली पार्टी है। अब अगर 11 तारीख को कोई दल के लोग नहीं जा रहे हैं, सभी दोनों दल सदनों के माननीय सदस्य जा रहे हैं, तो उसमें भी जाने से मना करने का मतलब एक ही है कि समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी बनने का फैसला स्वयं कर लिया। कल जो तीन तीन भारत रत्न का देश के सर्वोच्च सम्मान का ऐलान हुआ है, उसकी खुशी देश के किसान भी मना रहे हैं, देश के जो तमाम ऐसे मानिंद लोग हैं वह भी मना रहे हैं, और प्रदेश में जो एक तरह से व्यवस्था परिवर्तन करने वाले श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी को जिस प्रकार से भारत रत्न का सम्मान दिया गया है, उसके कारण से खुशी की लहर है। और ये फिलहाल एक चर्चा जोरों पर है कि आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं, जिसको लेकर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि बीजेपी ऐसे सभी भाई बहनों का स्वागत करती है जो भारत माता के प्रति बीजेपी की रीति नीतियों पर भरोसा रखते हैं, हम सबका स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसे सभी भाई बहनों का स्वागत करती है जो भारत माता के प्रति भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों में भरोसा रखते हैं, हम सबका स्वागत करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसे सभी भाई बहनों का स्वागत करती है जो भारत माता के प्रति
भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों में भरोसा रखते हैं, हम सबका स्वागत करते हैं। और वहीं जयंत चौधरी के एनडीए का हिस्सा बनने की चर्चा पर सपा नेता शिवपाल यादव का बयान सामने आया है। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने किसानों की लड़ाई लड़ी है और यह इतना आसान नहीं है। जयंत जी को समझना चाहिए कि किसानों की लड़ाई इतनी आसान नहीं होती और जो छोटे छोटे दल भाजपा में गए उनका हाल देख लीजिए, वो कहीं के नहीं रहे हैं। पूरे देश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, जब अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होता है तो जनता सड़कों पर आ जाएगी। जो चौधरी चरण सिंह किसानों की लड़ाई को बढ़ाया, तो अब इनके लिए इतनी आसान नहीं है। जयंत जी को इतनी आसान वो किसानों की लड़ाई नहीं है। और जो छोटे छोटे दल भाजपा में गए उनका हाल देख लीजिए, कहीं के नहीं रहे। पूरे देश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, जब अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होगा तो जनता फिर सड़कों पर आएगी। और गाजियाबाद के खोड़ा क्षेत्र में देर रात शनि बाजार रोड पर मॉडर्न स्कूल के पास फर्नीचर की दुकान में आग लग गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। बता दें कि इस दौरान लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। और गाजियाबाद के वैशाली सेक्टर 4 महालक्ष्मी टावर में 24 के ऑफिस में भीषण आग लग गई, जिससे आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें कि आग लगने से कोई हानि नहीं हुई है, वहीं शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। और बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुए बवाल के बाद जौनपुर में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही, जिसके बाद शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद पुलिस ने देर रात तक पैदल मार्च किया और जनसंवाद भी किया। साथ ही धर्मगुरुओं से संवाद कर शांति बनाए रखने की अपील की। साथ ही शहर में आम जन से भी वार्ता की। वहीं पुलिस के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए कहा कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, कहीं कोई भी अफवाह फैलाई जा रही है तो तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दे। साथ ही आगे कहा कि पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी और सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस के आला अधिकारियों ने लोगों को भरोसा दिलाया कि यदि कोई भी कार्रवाई समस्या सामने आती है तो उसे साझा करे, पुलिस उसे अपने स्तर से निस्तारण करेगी। पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर के कुशल नेतृत्व में आज जनपद जौनपुर में सेक्टर स्कीम के अंतर्गत जुमे की नमाज को सकुशल संपन्न कराने के उपरांत संपूर्ण जनपद में स्वयं पुलिस अधीक्षक जौनपुर एवं सभी राजपत्रित अधिकारी एवं सभी थाना प्रभारियों के द्वारा पर्याप्त पुलिस बल के साथ महत्वपूर्ण एवं मिश्रित आबादी वाले स्थानों, बाजारों, कस्बों इत्यादि में व्यापक। और फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।